नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। तो आप में से काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था कि डिमांड किया था कि मुझे कंपेरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस का क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, उसके नोट्स नहीं मिल रहे हैं, लेक्चर नोट्स नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने आपके लिए एक कंपाइलेशन रिविज़न नोट बनाया है जिसमें आपको प्रीवियस 3-4 सालों का क्वेश्चन मिल जाएगा, सॉल्व क्वेश्चन मिल जाएगा और लेक्चर नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट यूनिट्स के। तो चलिए देखते हैं क्या है इस गाइड में, रिवीजन गाइड में क्या है। आपको ये सोल रेगुलर एनसीबे, कोई भी स्टूडेंट इसको ले सकता है और अपने सेमेस्टर के मार्क्स को इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। पेपर का नाम क्या है? कंपेरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। इसमें होगा क्या? रेगुलर, व्हाट इट कंटेन्स, रेगुलर एनसीबे 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिलेगा, रेगुलर 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिलेगा और सोल सीबीसीएस 2022 का क्वेश्चन पेपर आपको इसमें सॉल्व मिलेगा, ठीक है। और वो जो क्वेश्चन सॉल्व है, आंसर मिलेगा आपको, किसका आंसर होगा? रीडिंग बेस्ड होगा, क्लास नोट्स के लेक्चर नोट्स पे बेस्ड होगा और ऑनलाइन रिसोर्सेज से भी उसमें मटेरियल आपको मिल जाएगा, ठीक है। इन तीन चीज़ों की हेल्प से ये आंसर बनाए गए हैं। आपको स्कोर अच्छा कैसे करना है सेमेस्टर एग्ज़ाम में, तीन चार चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन अगर स्ट्रक्चर फॉर्म में है, मतलब दो पार्ट में है, तीन पार्ट में है, ठीक है। अगर मान लो आपके जनरली 15 मार्क्स का होता है, तो 15 मार्क्स में क्वेश्चन को डिवाइड किया जाता है, तीन पार्ट में अगर डिवाइड है क्वेश्चन, तो आपको तीन पार्ट में आंसर लिखना है। अगर तीन पार्ट में नहीं लिखेंगे तो आपको, जैसे दो पार्ट में लिखा तो आउट ऑफ 10 आपको मार्क्स मिलेगा, अगर आपने एक ही पार्ट लिखा तो आउट ऑफ 5 आपको मिलेगा, अगर तीनों पार्ट लिख दिया तो आउट ऑफ 15 आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे मार्किंग होती है। ओके, राइट योर आंसर इन पैराग्राफ मोड, पैराग्राफ में के फॉर्म में ही आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है। पाँच छः लाइनों का एक पैराग्राफ होना चाहिए और कुछ भी नया शुरू करने जा रहे हो तो पैराग्राफ चेंज कर दो, ठीक है। ये नहीं कि आपने स्टार्टिंग से शुरू किया, एसी की तरह लास्ट तक आप जाके एंड कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। ऐसे फिर मार्किंग जो होगी वो एवरेज हो जाएगी, ठीक है। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड इश्यूज, जो भी टर्म्स आपको स्पेसिफिक दिख रहे हैं, रीडिंग स्पेसिफिक दिख रहे हैं या आपने जो स्टडी किया है उसे अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। और जो भी नए इश्यूज हैं उनको अंडरलाइन करिए। व्हेन देयर इज़ नीड ऑफ कंक्लूजन, कंक्लूजन आप हर एक आंसर में डाल सकते हो अपने आप से, ठीक है। लेकिन जहाँ पे डिमांड कर रहा है वहाँ पे मिस नहीं करना है आपको कंक्लूजन को, ठीक है, ओके। और अगर आप अच्छा कंटेंट लिख रहे हो तो 4 पेज आपके लिए अच्छे हैं, मार्क्स आपको अच्छा मिल जाएगा। लेकिन आप एवरेज कंटेंट लिख रहे हो तो कम से कम 6 पेज आप लिखिए, ठीक है, 6 पेज 7 पेज आप लिखिए, ओके। तो सिलेबस आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिए हैं कितनी यूनिट हैं, 8 यूनिट होती हैं इस पेपर में, जिसमें से मैंने चार क्वेश्चन आपको चार ही करना है, आएगा 8 क्वेश्चन लेकिन करना आपको चार है, ठीक है। तो 4 यूनिट मैंने हाईलाइट कर दिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एंड अप्रोच, ये बेसिक यूनिट है, अगर आप इस यूनिट को नहीं समझेंगे तो आप इस पेपर को ही नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। इस पेपर को समझने के लिए कंपेरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस ये यूनिट समझना ज़रूरी है, तो इससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा। नेशनलिज्म पे क्वेश्चन आएंगे, नेशनलिज्म थियरीज एंड डिबेट्स, ये इंपॉर्टेंट यूनिट है। डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट यूनिट है। और एक पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम, इससे तो शायद ही मिस हो जाए, मानी कि ये आसान यूनिट होती है, सुनील चौधरी की रीडिंग से आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हो। मैंने नोट्स डाल दिए हैं, क्लास लेक्चर नोट्स जो है सुनील चौधरी का, उसको मैंने डाल दिया है, आप ले सकते हो। तो ये 4 यूनिट इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट है, इसको आप जरूर फोकस करके जाइए। स्टेट फॉर्म्स ऑफ स्टेट एंड रिज्यूम पे भी थोड़ी डिफिकल्ट यूनिट हो जाती है, और इंपॉर्टेंट यूनिट है लेकिन ये डिफिकल्ट है, पढ़ाया ये भी जाता है लेकिन ये क्या है कि डिफिकल्ट सेक्शन में आ जाता है, क्वेश्चन इससे भी आएंगे। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है स्टेट वाले में तो आप कर सकते हैं इसको भी, ठीक है। तो ये 4 ही क्वेश्चन करने हैं, तो 4 यूनिट जो हाईलाइट किए हैं इसे आप तैयार कर लीजिए अच्छे से। तो गाइड मैंने ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, ओके, आप इसको ले सकते हो। लेना कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, ओके। वहाँ पे आपको करना क्या है, 2 PDF आपको मिलेंगे, एक तो ये PYQ सॉल्व मिलेगा और एक लेक्चर नोट्स मिलेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ लेक्चर नोट्स कैसे हैं। तो कैसे करना है, ये इस गूगल फॉर्म को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से जाइए और फिल करिए। इट कंटेन्स 2 PDF, फर्स्ट PDF में आपको ये तीनों सालों के
सॉल्व पेपर मिलेंगे, सेकंड में हैंड रिटन जो लेक्चर होता है, तब जिस जो नोट्स बनाए जाते हैं वो आपको मिल जाएंगे। और सब कुछ मैंने बता दिया है, नॉमिनल कॉस्ट है, नॉमिनल फ़ी है, आप उसको पे करके ले सकते हो। ये आपको प्रीव्यू किया गया है, ऐसे दो अटैचमेंट आपको मिल जाएंगे, एक में तो होगा सॉल्व क्वेश्चन पेपर और एक में होगा सीपीए जो लेक्चर नोट्स होती है। ओके, तो ठीक है, इस फॉर्म को फिल करिए और लीजिए और अपने मार्क्स को अच्छे से स्कोर, अपने मार्क्स को बढ़ाइए, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में अच्छे सीजीपीए लाइए और इसको अपने ग्रुप्स में डालिए, दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी आपको मटेरियल चाहिए, गाइड चाहिए एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए अपना और अच्छे से इसको रिवाइज़ करिए, 50 पेजेस की गाइड है, आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 50 पेजेस की गाइड है सॉल्व वाली, और नोट्स जो हैं आपको 40-30 पेजेस की वो है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए अपना और अच्छे से पढ़ते रहिए।